नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए, आप इसे बच्चों के स्वेटर में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। इसके लिए मैंने 22 फंदे डाले हुए हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बनाएंगे। अब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बनाएंगे, तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और दूसरी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, बाकी सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। आप 10-10 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 2 फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। आप इसे किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, आप इसे कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए, आप इसे टॉप में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे बेबी फ्रॉक में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 2 लाइन हमने बुन लिया, तीसरी लाइन में भी हम सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। हमने तीसरी लाइन में भी सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और चौथी लाइन में हम सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुना, दूसरी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुना, तीसरी लाइन में सभी फंदों को सीधा बुना और चौथी लाइन में भी हम सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। तो हमने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया। यह हमारा 5वां लाइन है और सामने से, तो 5वीं लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया है। अब दूसरे कलर के उल से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। पांचवी लाइन दूसरे कलर के उल से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो दूसरे कलर के उल से हमने 5वीं लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का 6ठी लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब शेष फंदों को हम ऐसे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। और लास्ट फंदे को हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये 6ठा लाइन कंप्लीट होता है। 7वीं लाइन और सामने से, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब 8 फंदे को खोलेंगे। 8 फंदों को हमने खोल लिया। अब 8ों फंदों को हम 22 सिलाई में ले लेंगे और फिर इस साइड से हम सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। सीधा फंदा बनाया, इसे 22 लाइन में चढ़ाएंगे और फिर इसमें एक बार और सीधा फंदा बना लेंगे। फिर इसी तरह फिर दूसरा फंदा लूप लिया, फिर इस लूप को 22 लाइन में चढ़ाएंगे और फिर इसमें एक सीधा फंदा, 2, 3 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 से हमने 8 फंदे बना लिए। अब 2 फंदे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, 1, 2। फिर नेक्स्ट 8 फंदों को हम खोलेंगे,
इन्हें 22 लाइन में चढ़ाएंगे और फिर इनसे हम 8 फंदे बनाएंगे। एक लूप निकाला, फिर इसको 22 लाइन में चढ़ाएंगे और इसे हम सीधा बुन लिए। एक हुआ, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये 8। तो 8 से हमने 8 फंदे बना लिए। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, 8वीं लाइन में सभी फंदों को सीधा। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, 9th रो में पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। 9th रो में सभी फंदों को पहले कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। टेंथ रो में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, यानी हम अपना पहले से 4th लाइन, पहले से 4th लाइन यहाँ पे हम दोहराएंगे। 11वीं लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और 12वीं लाइन में हम सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। तेरहवीं लाइन में हम अपने दूसरे कलर के वूल से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तेरहवीं लाइन में सभी फंदों को दूसरे कलर के वूल से सीधा बुन लिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का 14वां लाइन है, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। शेष फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। और लास्ट फंदे को नॉर्मली उल्टा। तो इस तरह हमारा 14वां लाइन कंप्लीट होता है। 15वीं लाइन में हम 5 फंदों को लेंगे, पहला लिया और 4 फंदों को खोल लेंगे, फिर 5ों फंदों को हम 22 लाइन में लेंगे और इस तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे 22 लाइन में चढ़ाएंगे। फंदा बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से हमने 5 फंदे बना लिए, फिर 2 फंदा हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट 8 फंदे हम खोलेंगे, 8ों फंदों को हम 22 लाइन में लेंगे, फिर ऐसे सिलाई डालेंगे और इससे हमको 8 फंदे बनाना है। एक लूप लिया, फिर उसे 22 लाइन में चढ़ा देंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे।
आठ से हमने आठ फंदों का, फिर दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट एक दो तीन चार और पांच फंदे, इन पांच फंदों को खोलेंगे और पांच से हम पांच फंदे बनाएंगे। इस तरफ से ऐसे सिलाई डाला, एक लूप निकाला, उसे बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। एक दो तीन चार और पांच, तो हमने पांच फंदे बना लिए। अब 16वीं लाइन रॉन्ग साइड, तो इसमें हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 फंदों का और 16 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। और देखिए, इसी को दोहराते रहने से, इन्हीं 16 लाइन को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिज़ाइन, बेहद खूबसूरत है। और देखिए तो फ्रेंड्स, इसे आप अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।